चलो आप नहीं चलो एक सेकंड बात तो सुन लो नहीं 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 कोई बात तो सुन अच्छा एक सेकंड मुझे एक क्वेश्चन पूछना है क्या आपको पसंद हूँ मैं नहीं आप पसंद नहीं है नहीं ना है एक्सक्यूज मी एक्चुअली मुझे ना ये गेट नंबर 2 जाना है कहाँ पे बेटा गेट नंबर 2 मेरे ख्याल से तो उस साइड होगा उस तरफ फिर भी आप कंफर्म कर लेना किसी से ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन था आपसे बोलो ये कौन है ये कौन है मतलब बेटा मतलब ये आप लोग साथ में ये मेरा बेटा है अच्छा क्या नाम है आपका बेटा आपको नाम से क्या करना ऐसे पूछ रहा हूँ नाम क्या आपका नॉर्मली नाम पूछ रहा हूँ मैं तो आई एम मिसेस चावला क्या नाम मिसेस चावला चावला बहुत बढ़िया बहुत अच्छा नाम है एक्चुअली मैं ना मथुरा से हूँ अच्छा तो अभी मैं दिल्ली आया हुआ था तो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मुझे ना दिल्ली की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो शादी हो गई इनकी व्हाट डू यू मीन मैं मतलब एक्चुअली ये बोल रहा हूँ कि आप देखो हर माँ बाप चाहता है कि उसकी लड़की की शादी हो टाइम पर शादी हो तो इनकी शादी हुई है नहीं हुई है वैसे मैं सिंगल हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे अच्छी लगी मैं मास्क उतार लीजिए आप कितने बड़े हो मैं 23 साल का हूँ 23 साल डोंट यू थिंक आप अभी बहुत छोटे हो शादी के लिए 23 साल छोटे थोड़ी होता है क्या कर लिया आपने 23 साल में आप क्या कर रहे हो मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ फूड ब्लॉगर तो क्या हुआ ये तो साइड पैशन है हाँ तो इसके अलावा क्या क्या चाहिए आपको मतलब आप क्या चाहते हो कि लड़की अंदर क्या होना चाहिए आप ऐसे सीधा हो गया बोलोगे मुझे लड़की पसंद है नहीं नॉर्मली मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ कुछ बना रहे हो क्या नहीं नहीं मैं बना कुछ नहीं रहा मैं तो ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहा हूँ डायरेक्टली आके अप्रोच कर रहे हैं मुझे आपकी लड़की पसंद है अरे तो नॉर्मली मैंने बोला कुछ गलत तो नहीं बोला ना आपसे बात कर रहा हूँ गलत नहीं है लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है अच्छा और शी इज टू यंग अभी तो वो बच्चे पढ़ेंगे आजकल कौन सी लड़की इतनी जल्दी शादी है नहीं देखो वो तो डायरेक्ट आके अप्रोच कर रहे हैं आई डोंट थिंक कुछ है क्या आपका आसपास अरे नीनी प्रैंक अरे क्या बात कर रहा है भाई मैं प्रैंक क्यों करूंगा मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ मैं बहुत हाँ मथुरा से हूँ आप दिल्ली कितनी बार आए हैं मैं दिल्ली ही रहता हूँ लक्ष्मी नगर में लक्ष्मी नगर रहते हैं तो बच्चे आपको पता होना चाहिए दिल्ली में कोई आके सीधा के अप्रोच नहीं कर देता है नहीं देखो मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं था जो गलत नहीं हुआ तो पूछने में क्या दिक्कत है गलत नहीं है इसीलिए यही रीज़न है कि मैं आपको डांट नहीं रही हूँ बच्चे आपको समझा रही हूँ ये तो ना आके डायरेक्ट आके मुझे आंटी आपकी लड़की पसंद है अच्छा तो आप कैसे चाहते हो कैसे चाहते मतलब नहीं अगर मैं डायरेक्ट बोल दिया चलो मैंने मानता हूँ ये मैंने गलत किया गलती की तो कैसे बात करनी चाहिए आप बता दो बेटा आप हमें जानते नहीं हम आपको जानते नहीं भाई गुस्सा क्यों कर रहा है मतलब नॉर्मल बात ही तो कर रहा हूँ ये बेटा ब्रदर ऐसे भी अगर ऐसे पूछोगे तो कोई भी ऑफेंड हो जाएगा ना हाँ बिल्कुल जायज सी बात है पर यार मेरा कोई ऐसा गलत इंटेंशन नहीं है इंटेंशन गलत नहीं है बट दिस इज नॉट अ राइट प्लेस और ये मुझे राइट अप्रोच भी नहीं लग रहा है आप जानते नहीं जानते आप जान लो क्या नाम है आपका नो बेटा नो नाम ही तो पूछ रहा हूँ मेरा नाम सोमेश है आई डोंट फील दिस गुड अच्छा नहीं लग रहा है मुझे एंड आई रियली एडवाइज यू बच्चे आप ये कोई अप्रोच का तरीका नहीं नहीं मैं अब आपसे अब बोला आपसे इतनी बातें हो गई मेरी तो अब मैं ये बोला मुझे आपकी लड़की पसंद है तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं बेटा मैं आपको ये भी नहीं कह सकती कि मुझे आप पसंद नहीं है यू आर अ गुड बॉय लेकिन थोड़ा सा मुझे ये तरीका अच्छा नहीं अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप मेरी फैमिली से बात कर सकते हो मेरे घर पर बात कर सकते हो मेरे मम्मी पापा से बात कर सकते हो अच्छा अभी अगर अभी शादी ही नहीं कर रही दोनों ही नहीं हुए भाई आप तो यार गुस्सा कर रहे हो गुस्सा नहीं कर रहे भाई ब्रदर है उसको उसको आप किसी को बोलोगे क्या नाम है बेटा आपका मेरा नाम सोमेश है सोमेश हाँ चलो थैंक गॉड इसको ये भी कंट्रोल है रियली अच्छा क्या करते हो वैसे आप लोग वैसे जान सकते हो हम कुछ भी नहीं करते हैं हम सिर्फ घूमने आए इधर अच्छा आप ये क्या करते हो मैडम आप क्या ये करते भी हो कुछ नहीं करती है बच्चे अब बस अब आप यू आर गेटिंग नहीं पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो गई तो मैं वैसे अच्छा लड़का हूँ मथुरा से हूँ वृंदावन रहता हूँ बहुत अच्छे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बस आप बात बंद कर दीजिए ये कोई तरीका नहीं लग रहा मुझे बात करने का अब देखो आप दिल तोड़ रहे हो आप फिर तो अरे मुझे आई डोंट बिलीव एक लड़का मना करने के बावजूद अगर आप अच्छे लड़के हैं आपको बार बार मना कर रही हूँ फिर भी आप मैं मेरे घर वाले चाहते हैं वो ना कहीं मेरी शादी करवाने वाले हैं तो मैं चाहता हूँ कि मेरी किसी मैं दिल्ली की लड़की से शादी करना चाहता हूँ मेरा ये मतलब दिल्ली की ही क्यों बात समझ नहीं आई क्यों मैं दिल्ली रहता हूँ दिल्ली रहते हो हाँ तो दिल्ली में पास रहेगा बढ़िया रहेगा और मुझे लड़की भी पसंद है वो बहुत गुस्से में रहती है वो बहुत गुस्से वाली है लड़की मैं दारू वगैरह नहीं पीता हूँ मैं क्या नाम है आपका वही आपको नाम भी नहीं आता आपको पसंद कैसे आ आपको मैं वहाँ से नोटिस कर रहा था देख रहा था आप लोग खड़े होते आप अच्छे लग रहे थे सारे के सारे तो इसलिए कितने लोग खड़े उसी के वहाँ से आए हैं नहीं आप देखा आपने ये क्या है भैया मुझे ये समझ नहीं ये क्या लगा ये तो नॉर्मली मतलब टाइमर है टाइमर हाँ
ये कुछ नहीं है मेरे भाई, इसे छोड़ो। आप बताओ, आप क्या अब क्या सोचते हो इस बारे में? नहीं बस बेटा, मुझे कुछ नहीं सोचना, चलो आप। एक सेकंड बात तो सुन लो, बात तो सुन लो। अच्छा एक सेकंड, दो मिनट बात तो सुन लो। अच्छा मैं नाइस टू मीट यू, चलो बस। अच्छा एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, एक मिनट बात तो सुन लो। चलो चलो, नाइस टू मीट यू। अरे आप गुस्सा करो, आप एक मिनट इधर आओ, आपको कुछ बताना है। अच्छा अच्छा, मैं आपको डांट दूंगी, मैं आपको डांट दूंगी, और यहाँ चार लोग और खड़े हो जाएंगे, ठीक है? डोंट एक्ट लाइक दिस। चलो अच्छा एक सेकंड, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, क्या आपको पसंद हूँ मैं? नहीं आप पसंद नहीं है। नहीं ना है, आप हाँ या ना में एक जवाब दे दो। आप नहीं जानते हो, आप जान लिया, मैंने नाम बता दिया, मेरा नाम बताओ। आप इनको पसंद, आप इनको जवाब दे दो, जवाब नहीं नहीं, अगर ऐसे अप्रोच करूंगा नहीं पसंद, वैसे पसंद हूँ। नहीं नहीं, तो इनडायरेक्टली आप यही बोलना चाह रहे हो ना? नहीं 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 प्लीज, जैसे उन्होंने मना भी करा, आप इनसे पूछो इनको पसंद हूँ। यस नो बोलो आप, व्हाट नॉनसेंस यार, आप बात को घुमाओ नहीं, आप सीधा सीधा बोलो। नहीं सॉरी, नहीं चलो बस। अच्छा 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 सुनो, अच्छा एक बात, एक्चुअली मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। एक्चुअली मेरा यूट्यूब पर चैनल है, मैं आपके साथ छोटा सा मजाक कर रहा था। ये जो भाई ने पूछा ना, ये क्या लगा हुआ है, ये कोई टाइमर नहीं है, ये माइक है, हमने ना वहाँ कैमरा लगा रखा है। गुड जोक, लेकिन नहीं समझ नहीं आ रहा था हमें। अच्छा आप इधर आओ, आप तो अंधेरे में चले गए, आपको दिख भी नहीं रहे होंगे। वैसे बहुत प्यार से आपने बात की, बहुत अच्छा लगा कि इतने मतलब इतने पोलाइटली हो गए आप लोगों ने। दिल्ली के शरीफ अच्छे हैं और शरीफ भी होते हैं हम, इसलिए आपको यही मैं यही मैसेज करी थी। मैं एकदम से आपको डांट देती हूँ, आप बच्चे हो यार, मेरे को तो समझ नहीं आता है इतना। यू आर अ वेरी गुड लुकिंग एंड वेरी सिविलाइज्ड पर्सन, आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच कैसे कर रहे हैं? गुड गुड, हाँ फूड ब्लॉगिंग करता हूँ, ये प्रैंक भी करता हूँ, फूड ब्लॉगिंग भी करता हूँ। मेरे 2 लाख फॉलोवर्स हैं फूड ब्लॉगिंग से। आई विश कि तुम्हें बहुत अच्छी दुल्हन मिले, ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल। अच्छा एक बार ये हमारे व्यूअर्स को हाय कर दो, ये वीडियो डाल देने से कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आप चैनल सब्सक्राइब करो।